കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ മധ്യപ്രദേശിന് മികച്ച പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി ബിജെപി നേതാവുമായ പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ. ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. हम पहले हमने जो मध्य प्रदेश ने परिणाम दिया है उस दिन हम सब गौरवान्वित थे. आज मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, बड़ी संख्या में मंत्रिपरिषद के लोग भी शपथ लेंगे. जो संदेश और संकेत दिखते हैं उसमें मध्य प्रदेश को इतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व का दिख रहा है उससे साफ लगता है कि दूसरी बार फिर से मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता को गौरवान्वित होने का दिन है. मैं तो शुभकामनाएं भी दूंगा और बधाई भी दूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि उनके केंद्र सरकार के में प्रतिनिधित्व मिलने से मध्य प्रदेश का भला होगा. हम देश के विकास में योगदान करेंगे और मध्य प्रदेश को भी विकास का वो रास्ता मिलेगा. मुझे लगता है कि आजकल डिमांड का समय चला गया है. आप बेहतर काम करेंगे, भारत सरकार आपके साथ पीछे खड़ी है क्योंकि मैं उस सरकार का हिस्सा रहा हूं. अब ये समस्या नहीं है कि आपको मांगना पड़ता है, जो जितना बेहतर खर्च करेगा सरकार उसको समर्थन करती है. इसलिए मुझे लगता है कि एजेंडा जो केंद्र ने तय किया है कि आम आदमी की जरूरतों को चीजों को हमने दिया है, हम और उससे आगे तेजी के साथ आगे बढ़े, तो ये कई आयाम है जिसपे एक साथ सरकार चलती है. उसकी तरफ मध्य प्रदेश बहुत बेहतरीन स्थिति में है भौगोलिक दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से. तो निश्चित रूप से